ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूं, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट में आज भी हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव थी, लेकिन मार्केट अपना जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रही थी। मार्केट ने जो कल के दिन आपको लेवल बताया गया था 41,250 इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी तो अग्रेसिव मंदी की तरफ मूव कर जाएगी, अदरवाइज मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन कर सकती है। आज हमने देखा कि मार्केट सारा दिन 241,269 का लो बना के मार्केट क्लोज रही, 41,369 के करीब क्लोज रही 145 पॉइंट माइनस के साथ, जबकि वॉल्यूम्स में 148 मिलियन के वॉल्यूम हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे, कल 177 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जैसे TPL, WTL, VIPL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में कॉलगेट, खैबर टोबैको, मिलर ट्रैक्टर टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो अल्लाह वसाया टेक्सटाइल, जबकि ब्रिज टेक्सटाइल ये टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर सेक्टर वाइज पोजिशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजिशन में आज भी केमिकल टॉप पे रहा 57 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल, लेदर ये इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस में 63 पॉइंट, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आज भी कुछ इस तरह की न्यूज थी कि सबसे पहले रूसी तेल आते ही रुपया मजबूत हुआ, डॉलर कमजोर हुआ, ओपन मार्केट में 7 रुपए की कमी हुई। इसके साथ ही एक ही दिन में मुसलसल 7 रुपए सस्ता होना और पाक रुपीस का बढ़ना ये हमारी मईशत के लिए अच्छा भी था। इसके साथ ही हुकूमत पेट्रोलियम मशरूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी, जबकि शेल अमेरिकन ऑयल पाकिस्तान से जो रुख्सत होने जा रही है, दुनिया भर से रुख्सत हो रही है, जर्मनी से और दूसरी जगहों से भी रुख्सत हो रही है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो रूस की 5 कंपनियों ने पाकिस्तान ऑयल बिजनेस में दिलचस्पी का इजहार किया है, ये प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही जो 7 रुपए कम हुआ है ओपन मार्केट में, देखा जाए तो मलिक बोस्तान की तरफ से कुछ डॉलर इंजेक्ट भी किए गए और कुछ मामला भी किए गए, जिसकी वजह से अब लेवल थोड़ा बराबर आ रहा है। इसके साथ ही फ्रांस प्रोवाइड 180 मिलियन सॉफ्ट लोन फॉर NTDC प्रोजेक्ट्स, तो फ्रांस जो है 200 मिलियन की जो लोन 180 मिलियन की लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइम खत्म होता जा रहा है और IMF की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक IMF की डील कंप्लीट नहीं हो जाती मामला जैसे देखा जाए तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन चूंकि इसहाक डार साहब ने बड़े वसूख से कहा है कि प्लान बी मौजूद है, तो अब देखना है ये कि प्लान बी क्या है इसहाक डार साहब के साथ, इसहाक डार साहब के पास। इसके अलावा कोल प्राइस में आज कमी हुई थी $2.95 की, आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें ये कंपनीज के अनाउंसमेंट है जिसमें SCL, इकोप, नेटसोल की बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई, जबकि बाकी कंपनीज के अनाउंसमेंट है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये वो कंपनीज है जो पे आउट दे रही है, आज एक्स हुए हैं जिनकी लास्ट डेट थी गनी वैल्यू ग्लास की, GL की, जबकि बाकी की डेट मेंशन है। इसके साथ ही आज नेटसोल की बोर्ड मीटिंग कैंसिल हुई, स्पेशल बोनस अनाउंसमेंट में अगर देखा जाए तो 20% बोनस दिया पंजाब ऑयल मिल लिमिटेड ने, इमेज ने तकरीबन देखा जाए 50% बोनस अनाउंस किया, जबकि OGDC के हवाले से देखा जाए तो जो इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो गई और प्रोडक्शन में इजाफा होगा OGDC की में, तो ये OGDC के लिए बहुत अच्छा साइन है। जबकि एटलस बैटरी ने 60% बोनस अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज कुछ इस तरह की खबरें चल रही है कि बड़ी खबर से मुराद ये भी है कि पॉसिबल है कि पेट्रोल की कीमत में आज रात कोई बड़ी कमी की जाए, ये एक्सपेक्टेड है। जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हुई है 37 से 59 रुपीज कम हुई है, जबकि ब्रांड के घी फी किलो कीमत में 60 रुपए की कमी यानी कि हुई है। इसके साथ ही अगर हम मईशत की हालत देखें तो मईशत की हालत की पिक्चर कुछ इस तरह से कि मईशत की जो गाड़ी में देखा जाए तो अयाशियां, मरात, सब्सिडीज, खसारा ये सब चल रही हैं और गवर्नमेंट इसको लोड करके चल रही है, जबकि IMF के हवाले से देखा जाए तो IMF के हवाले से तनकीद की जा रही है कि कोई तगड़ी जमानत दिलवाएं, वजन उतारे, रूट चेक करवाएं और यानी कि खातों को सही करें, इस तरह की चीजें भी हैं मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट को यानी कि बोल्ड स्टेप लेने होंगे और मईशत के लिए जो बेहतर स्टेप्स हैं यानी कि मरात कम करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे, तब जाके IMF के डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन देखे जाए $69 के पास ट्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की इंटरेस्ट रेट में इजाफा अब नहीं होगा, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट का इजाफा नहीं हुआ और इंटरेस्ट रेट आपका 5.25% पे अमेरिका में होल्ड पर है।
इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 69 के पास। अगर क्रूड ऑयल के पास लेवल है कि $70 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल 71-72 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। अदरवाइज सपोर्ट लेवल में 67 का लेवल सपोर्ट लेवल है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा रिबाउंड कर सकता है। जबकि गोल्ड सिल्वर में हमने कहा था कि जब भी हाई साइड पे जाए आप इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि गोल्ड में आने वाले वीक में आने वाले दिनों में $100 की कमी होगी। 1944 के पास चल रहा है, 1900 से लेकर 1850 का लेवल टेस्ट कर सकता है, जबकि सिल्वर आपका $23 से लेकर $22 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि मार्केट के हवाले से, मार्केट की बात करने से पहले पाकिस्तान में भी याद रखिएगा कि गोल्ड के जो रेट है सिर्फ डॉलर की वजह से आर्टिफिशियल अप है, लेकिन जैसे अगर डॉलर कहीं सेटल होता है, क्योंकि डॉलर के ग्राफ भी ओवरबोर्ड की साइड पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी गोल्ड और गोल्ड में कमी हो सकती है, जो कि जो इन्वेस्टर गोल्ड रख के बैठे हुए हैं उनको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए और डॉलर में भी सेलिंग करनी चाहिए। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो 41,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,250 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स चूंकि कल लास्ट डे है, फ्राइडे हाई लो के एतबार से देखा जाए तो 280 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से 1629 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड साइड पर जा चुकी है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो आज हमने देखा कि मार्केट जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट आपकी कल स्लाइटली यानी कि ओवरबोर्ड थी, आज थोड़ा स्टार्टिंग में 124 पॉइंट तक गई और फिर मार्केट ने वंस अगेन अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया और मार्केट जो 41,250 का लेवल था वहां मार्केट आपके सस्टेन करते हुए नजर आई और वहां पर मार्केट ने कुछ शॉर्ट रिबाउंड भी किया। कल के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि 41,250 स्टॉप लॉस होगा, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो कि ओवरसोल्ड है और मार्केट कल मूव कर सकती है 41,000 यानी कि देखा जाए तो 500 से लेके 700 के एरिया तक मूव कर सकती है। अगर मार्केट क्लोजिंग यानी 550 से अबव आती है या 700 से अबव आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, मार्केट रिकवरी फेस कर सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन चूंकि सपोर्ट लेवल होगा 41,250, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो देखिए लॉन्ग चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन 6 डेज हो चुके हैं मार्केट को करेक्ट करते हुए और मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त 92% मार्केट अपने आपको डिस्काउंट कर चुकी है, मार्केट अपने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। मेजर सपोर्ट लेवल 41,200-250 का लेवल है, अगर खुदा ना करे ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो घबराने वाली बात नहीं होगी, मार्केट कोई शार्प लो बना के कैट बाउंस बैक करके रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि मार्केट अगर 41,200 का लेवल ब्रेक करेगी तो एक प्रेशर जरूर होगा, लेकिन उस प्रेशर में ये चूज करना चाहिए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पिछले 6 दिन से मंदी कर रही है और मार्केट में इस वक्त जो पोजीशन बन रही है वो यही बन रही है कि मार्केट में एक आध दिन मैक्सिमम ओवर हो सकता है, अदरवाइज मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ मूव कर सकती है और मार्केट जो अपनी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो इसलिए एक्युमुलेशन के फेज में रहना चाहिए। 41,250 कल का स्टॉप लॉस है, कल का यानी सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के साथ मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ यानी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। आज भी हमने कुछ स्पेशल कॉल्स दी जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए, मुसलसल हम यूनिटी में शॉर्ट सेल कॉल करवा देते रहे, यूनिटी में 15:50 से लेकर 16 तक हमने शॉर्ट सेल कॉल दी और इसके अलावा जो क्लाइंट जिन क्लाइंट के पास डिलीवरी में पड़े थे उनको भी स्पेशल कॉल दी गई कि आप सेल करें या आपको 14:30 तक मिलेगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह 14:30 के करीब मिला। इसके अलावा शेयर पाकिस्तान की कॉल दी गई 82 और 78 के करीब, आज हमने देखा कि 95 के करीब ऊपर का लॉक लगा हुआ, जिनके पास रखे हुए स्टॉप लॉस यूज करें क्योंकि शेयर में अभी मजीद रिकवरी बन सकती है, लेकिन साथ साथ एवरी अपर लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। लोटे केमिकल में हमने शॉर्ट सेल कॉल दी थी 29.50 से लेकर 75 के दरमियान और इसके बारे में बताया था कि ये 28 का लेवल टेस्ट करेगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 का लेवल भी यानी 27.90 का लेवल टेस्ट किया। इसके अलावा और बहुत सारी शॉर्ट सेल कॉल और बाइंग कॉल बन रही होती है जो कि हम स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते हैं, जो हजरात इन कॉल्स को अवेल करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।